एसएमएन स्टूडेंट्स स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह नाउ ओपन पेज नंबर 56। आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। चलिए पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं। आप एग्जांपल में देखें कि एग्जांपल में फर्स्ट है हमारे पास है 4^7 डिवाइड 4^5 मल्टीप्लाई 2^2। इट्स मीन जो डिवाइड का साइन आ गया है बेस सेम है तो पार सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। 4^7 - 5 2 आ गया और 2^2। अब यहाँ पे पार सेम है तो 4 × 2 = 8 लिख लेंगे। पार बाहर आ जाएगी। पार इस पे या एक्सपोनेंट इस पे अप्लाई हम लोग करेंगे, इसे पावर बोलते हैं और हम लोग इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, 8 × 2 × 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 64। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें आप लोग। इसका है हमारे पास 1 × 2 है, 2 × 2 है, यानी कि 1 × 2 है, 2 × 2 है। जब 2 हो तो पहले हम लोग उनको सिंगल एक्सपोनेंट में जब सॉल्व करते हैं तो सिंगल एक्सपोनेंट में लेके आते हैं। 3 × 2 = 6 या 2 × 3 = 6। इसे से 3 × 2 = 6 या 2 × 3 = 6। 1 × 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 ही आएगा। 2 × 6 आपकी इजी होने के लिए मैंने 2 × 6 लिख लिया। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब 2 × 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा। अब लोग कर सकते हैं 2 × 2 = 4, 4 × 8, 8 × 16 = 16, 16 × 2 = 32, 32 × 2 = 64, 64 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 64। सेकंड हर क्वेश्चन यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन से डिफरेंट है। आप किसी की हेल्प से बड़े की हेल्प से करेंगे तो इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं है। मेथड वही है। इसका सेकंड पार्ट देखें, -3/7 = 0 मल्टीप्लाई -3/2 या एक्सपोनेंट 2 और होल 2, यानी कि इनमें भी इन दोनों की पार 2 × 2 एक्सपोनेंट गिवन है। यहाँ पे जब 7 को 0 है, 0 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओबियसली यहाँ पे हमारे पास आंसर 0 में आ जाएगा। आपको पहले भी बताया गया है, अगर नहीं बताया गया दोबारा रिकॉल करवा देती हूँ कि जिस वैल्यू की एक्सपोनेंट 0 होता है उसका आंसर 1 आ जाता है। ठीक है, जिसका एक्सपोनेंट या पार 0 होती है उसका आंसर 1 आ जाता है। और नेक्स्ट में देखें 2 × 2 = 4 -3 को पार आ गया 4। क्या -3 को 4 मल्टीप्लाई करेगा। मैं -3 क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे साइन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। एक और बात आपको इजी एक मैं आपको टिप बताती चलो स्टूडेंट्स के डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा, जब भी किसी वैल्यू के साथ सब्ट्रैक्ट का या माइनस का साइन हो और पार इवन में हो, जैसे 4 है, 2 है, 6 है, 8 है, तो उसका आंसर पॉजिटिव में ही आएगा। अगर पार हमारे पास ओड होगी जैसे 3, 9, 5 तो उसका आंसर माइनस में आएगा। यहाँ पे -3 5 होता, 5 मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पे आंसर -81 आता। लेकिन ये हमारे पास इवन पार में है, एक्सपोनेंट जो है वो इवन है, जो पार बोलते हैं एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, ये हमारे पास इवन है। इट्स मीन इसका आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। 3 को 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 81, -3 - 3 तो ये आ जाएगा -3 + 3 = 9। अब प्लस को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 3 = 27 प्लस माइनस में आंसर आ जाएगा। उस माइनस को जब इससे करेंगे तो -+ और हमारे पास यहाँ पे 27 × 3 = 81। इससे आंसर 81 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 81 आंसर आ गया। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। इसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है, इसके सारे पार्ट्स करने हैं, इसमें कुछ भी स्किप नहीं करना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।